बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम के व्यूअर्स, आज समीना आज डेली रूटीन में मैं खोया बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है, मैंने लो फ्लेम कर पे इसको चढ़ा दिया है। अब मैं इसका फ्लेम हाई करती हूँ ताकि इसमें फुल बॉयल आ जाए, फिर हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मुसलसल उसको पकाएंगे और साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे और उसकी जो साइडों पर दूध जम जाता है वो उतारते रहेंगे जब तक कि ये खोए की शक्ल नहीं बन जाती, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। देखिए अब ये फुल बॉयल आ गया, मैं इसका चूल्हा हल्का कर देती हूँ और मुसलसल हम इसको चलाते रहेंगे और इसकी साइडें साफ़ करते रहेंगे। नाजिन अच्छा फुल क्रीम दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसका खोया भी अच्छा बनेगा। और हम जिस मिठाई में डालेंगे, जिस हलवे में डालेंगे, वो भी बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन व्यूअर्स, ये हमारा 2 किलो दूध था जो रिड्यूस हो के 3 पाव के करीब रह गया है, 750 ग्राम के बराबर रह गया, और थिक भी हो गया है। मैंने ये स्टील वाली डोई ले ली है ताकि हम इसको आराम से भी उतार सकें जो साइडें पे दूध जम जाता है, और अगर ये कढ़ाई होती तो इससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता। मुझे कम से कम 1 आवर लगा है यहाँ तक लाने के लिए, और इंशाल्लाह ये मज़ीद 1 घंटे तक बिल्कुल हमारी ये बन जाएगी। एहतियात से बनाना है हमने ताकि दूध नीचे ना लगे, वरना उसमें जलांद आ जाएगी हमारे खोए में। इसलिए मैं थोड़ा लो फ्लेम पे बना रही हूँ ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे से लगे ना और जले ना। अब हमें इसका मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहना और उसका ख्याल रखना है। चलिए हम और इसको पकाते हैं ताकि ये खोए की तरफ चला जाए। देखिए हम काफ़ी हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, कंडेंस मिल्क जैसे होता है। इसी स्टेज पे नाजिन हम कंडेंस मिल्क भी बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये 15 मिनट और लगेंगे हमारा दूध को रिड्यूस होने में, खोया बनने में, लेकिन हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है और साइडें इसकी साफ़ करते रहना है ताकि ये ही खोया है जो इसके साइडों पे लगा हुआ है, ये देखिए ये खोया ही है जो इसकी साइडों पे लगा है। लेकिन नाजिन खोया बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं इसको किसी खुले बर्तन में या स्टील की किसी ट्रे या प्लेट में निकालूंगी ताकि जल्दी से ठंडा हो, फिर मैं इसकी आखिरी लुक आपको दिखाती हूँ। लेकिन नाज़रीन ये खोया बिल्कुल तैयार है और नीचे नहीं लगा है, बिल्कुल कोई पार्टिकल इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। यही खोया जो है वो सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जलने की स्मेल नहीं आ रही। अब ये मैं किसी स्टील की ट्रे में निकालूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और आपको फिर मैं इसकी आखिरी लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने नाज़रीन ये स्टील की ट्रे में निकाल ली है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बस ये अब हमारा खोया बन गया, ये देखें। अब मज़ीद थोड़ा सा और ठंडा होगा तो बिल्कुल खोए की शक्ल ये इख्तियार कर लेगा। जी मेरी खोए की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। शुक्रिया।